नमस्कार, आप सभी का स्टडी मेंटर पर स्वागत है। आज का जो वीडियो है ये आगामी 66 बीपीएससी के लिए एक रणनीति पर आधारित वीडियो है, जिसमें हम काफ़ी सारे कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी डिटेल से बात करने वाले हैं। चूँकि जो 65 का प्रीलिम्स था वो अभी एक सप्ताह पहले ही ख़त्म हुआ है, तो ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जिन्हें वो पेपर जिनका कि वो पेपर बहुत अच्छा नहीं गया और वो जो अगला बीपीएससी आने वाला है 66 उसे लेकर अभी से तैयारी करना चाहते हैं, उनके जो है लिए या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो तैयार किया गया है, ताकि वो उस एग्ज़ाम के लिए अभी से क्या रणनीति बना, चूँकि 6 महीने के राउंड लगभग रख सकते हैं कि अभी उनके पास समय है। तो ये जो वीडियो है ये काफ़ी डेडिकेटेड है 66 प्रीलिम्स को लेकर, जो कि ऐसा माना जा रहा है कि फेब्रुआरी या मार्च 2020 में इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम चार कॉन्टेक्स्ट को एक मतलब मेन हेडिंग में हमने चार कॉन्टेक्स्ट को रखा है। इसमें काफ़ी सारे सब डिविजन्स होते जाएंगे, चारों सेक्शंस पे हम काफ़ी डिटेल से बात करने वाले हैं, काफ़ी सारे कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे जो है 66 या जो भी आगामी बीपीएससी आप उसके बाद भी मान लिए कि देते हैं, तो उसके लिए भी क्या मतलब कि अगर 4-5 महीने हमारे पास समय है तो हम कैसे उस रणनीति को पूरा करें, कैसे उस कार्य को पूरा करें कि हमें निश्चित तौर पर सफलता मिल सके। चलिए, ये चार हेडिंग है, इसी में हम आगे जो है अलग अलग इन्हें रख कर फिर इनमें बहुत सारे पॉइंट्स निकाल कर उस पर हम बात करने वाले हैं। चलिए पूरे वीडियो को, पूरे सेशन को हम शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप आगे आपको जो है एग्जाम ओरिएंटेड काफ़ी सारे फ्रूटफुल वीडियो मिलते रहेंगे। आप बीपीएससी मेंटर का फेसबुक ग्रुप, जो हमारा बीपीएससी मेंटर का एक फेसबुक ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 75,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, तो काफ़ी अच्छा ग्रुप है। डेली ओरिएंटेड आपको जो है करेंट ओरिएंटेड या अदर बिहार के प्रोस्पेक्टिव में काफ़ी सारे जो कंटेंट है वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका एक टेलीग्राम चैनल भी है बीपीएससी मेंटर का, वो भी जो है आपको टेलीग्राम पे काफ़ी सारी हेल्प करेगा तैयारी से रिलेटेड। दोनों की लिंक नीचे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप उसके माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, जो चार एस्पेक्ट थे, महत्वपूर्ण विषयों की आधारभूत तैयारी, कमजोर विषयों पर विशेष ध्यान, विभिन्न माध्यमों से तैयारी का जो दिशा है उसका निरंतर आकलन करते रहना, और चौथा है टेस्ट सीरीज एवं इंटरनेट का सदुपयोग या इंटरनेट माध्यमों का उचित उपयोग। तो इन चारों प्रोस्पेक्टिव को हम देखेंगे और इसमें जो डिटेल होगा उसको भी हम डिस्कस करते जाएंगे साथ के साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू आता है महत्वपूर्ण विषयों की आधारभूत जानकारी। ठीक है, बीपीएससी में जब आप प्रीवियस पेपर्स देखेंगे प्रीलिम्स का, तो उसमें ये आपको मिलेगा कि जो हिस्ट्री है उसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भूगोल एनवायरनमेंट से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इन सेक्शंस को हम देखें तो जनरली क्या होता है कि 30 के राउंड हिस्ट्री से होता है, 25 के आसपास करंट होता है, 20 के आसपास आपका साइंस होता है और 20 के आसपास ज्योग्राफी वाले सेक्शन और इन्वायरमेंट को अगर हम मिलाते हैं तो 20 के आसपास ये भी रहता है। तो इनको अगर हम इंक्लूड करें तो 95 के आसपास, मतलब कि 90 के आसपास रख के चलिए कि क्वेश्चंस आते ही आते हैं, मतलब कितना हुआ 150 का, चूंकि 150 में 60% यही है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। और इसके अलावा अदर एस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, निसंदेह इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर आप प्रीवियस पेपर्स देखेंगे, उनका आकलन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो इन बातों को आप समझेंगे। तो इसमें क्या होती है कि जो हमारी रणनीति होती है, पहली ये होती है कि जो कोर सेक्शंस है जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उनका जो है डेप्थली अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होता है इनमें काफ़ी अच्छा होता है, और चूँकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होने के कारण वेराइटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा। तो ये दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू हमें देखना ज़रूरी हो जाता है। तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में जैसा 3 सेक्शन हम जानते हैं, बुक्स पे हम एक वीडियो लेके आएंगे जल्दी, आजकल में वो भी आ जाएगा उसकी, इसके पहले भी हम 64 के लिए बना चुके हैं, उसको भी आप देख सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा वीडियो था। इसमें जो है हिस्ट्री में 3 सेक्शन, जैसा आप जानते हैं मॉडर्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेडाइवल भी है लेकिन मेडाइवल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एंशियंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंशियंट और मॉडर्न काफ़ी ज़्यादा बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इन दोनों को तो आप एनसीईआरटी के सेक्शन से भी मतलब लगभग एनसीईआरटी और लूसेंट को अगर मिला के पढ़ते हैं तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन जो मॉडर्न का सेक्शन है इसके क्वेश्चंस की जो स्टैंडर्ड होती है वो काफ़ी अच्छी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके लिए आपको कोई भी एक ऑथेंटिक बुक पढ़ना होता है, जैसे कि स्पेक्ट्रम है या फिर आप ये दृष्टि का जो क्विक बुक है उसको भी आप पढ़ सकते हैं, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में दी हुई हैं। तो इनमें से कोई एक बुक आपको थ्रोली पढ़ना पड़ेगा, ताकि जो है
आपका जो आपकी जो तैयारी है वो काफी बेहतर ढंग से डिटेल में हो सके, क्योंकि इस पे आपको क्या करना है कि बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आप ये कर सकते हैं कि मंथली मैगजीन, इस बार का जैसे 65th में क्या था, करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन था वो फैक्चुअल के साथ साथ कुछ फैक्चुअल्स भी थे और कुछ कॉन्सेप्चुअल भी क्वेश्चन थे, जो कि मतलब कि वन लाइनर से काम नहीं चलने वाला था। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि हमें जो मंथली मैगजीन होती है, जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण है, क्रॉनिकल है, या दृष्टि की मैगजीन है, इस टाइप की जो मैगजीन, जैसे एसपीडी की भी आती है, तो एसपीडी का ये रहता है कि एक बार संकलन करके वो दे देते हैं और काफ़ी बेहतर भी होता है, लेकिन कभी कभी होता है जब क्वेश्चन काफ़ी डेप्थली पूछ देते हैं तो वो थोड़ा सा वहाँ पर दिक्कत होने लगती है। तो अगर आपके पास पॉसिबिलिटीज़ है, टाइम है, तो आप प्रतियोगिता दर्पण या फिर दृष्टि की जो मैगजीन है उसको फॉलो कर सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण बेटर माना जाता है स्टेट पीसीएस के लिए, और लास्ट के समय जो है, जो 1-2 महीना बचता है प्रीलिम्स का, तो उस समय आप एसपीडी या फिर जो घटनाचक्र का आता है कलेक्शन 6 महीने साल भर का, उसको लेके आप कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनके पास समय का अभाव होता है, तो वो क्या करते हैं कि उनके लिए बेहतर होगा कि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स के वीडियो होते हैं, उसको आप देख सकते हैं, वहाँ से उसको मंथ मंथ वाइज फॉलो कर सकते हैं और उसको नोट डाउन कर सकते हैं। जनरल स्टूडेंट भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि होता है कि जैसे आपने कुछ पढ़ा, मान लीजिए कि फरवरी महीने का आपने करेंट अफेयर पढ़ लिया, पढ़ने के बाद क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हो सकता है कि उस मैगजीन को जिसने लिखा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो निकल गया हो, उसको वो मेंशन नहीं कर पाया हो या छूट गया हो, तो आप जब करेंट का वीडियो देखते हैं तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन वहाँ से आपको कवर हो जाए या कुछ नया एस्पेक्ट आपको वहाँ से मिल जाए। तो इन दोनों चीज़ों को मिला लेते, क्योंकि यहाँ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा इसमें पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए बेटर है, उतना ही कम जो है गलत होने की संभावना आपका जो है कम होता जाएगा, मतलब गलतियां बहुत कम होगी। तो इनको जो है आपको विशेष फोकस करना है। साइंस की अगर बात करें तो साइंस में भी लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, किसी किसी साल ज़्यादा भी हो जाते हैं। साइंस में स्पेशली बायोलॉजी का जो सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। ठीक है, तो बायोलॉजी के लिए जनरली हम, या जो साइंस का सेक्शन है उसके लिए हम लूसेंट की जो जीके की किताब है उससे कवर कर लेते हैं, उससे हो जाता है। लेकिन साइंस भी आता है लूसेंट का, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिटेल है, उतना नहीं पढ़ना है, उतना उस समय आपका किल होगा। इसके साथ साथ लूसेंट के जीके से आप साइंस का सेक्शन पढ़ लीजिए, उसके साथ साथ क्या कीजिएगा कि एसपीडी का एक रेलवे का क्वेश्चन बैंक आता है, आप मार्केट में ट्राई करेंगे मिल जाएगा, रेलवे का क्वेश्चन बैंक, इसको ले लीजिएगा। इसमें प्रैक्टिस से टाइप का रहता है, इसको याद करना होता है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो यूनिक होते हैं, वो आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। चूंकि ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पर आपको स्पेशली टाइम देने की ज़रूरत है, तभी जाके आपका एक बेसिक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चौथी चीज़ आती है भूगोल एवं एनवायरनमेंट। इसके लिए आप महेश बनवाल की जो किताब है, महेश कुमार बनवाल, MBE ही मैं लिख देता हूँ, महेश बनवाल की किताब आती है भूगोल एक समग्र अध्ययन, BPSC के लिए उतना मोर देन सफिशियंट है। उसके साथ अगर मन करे आपको तो घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक भी आप बनाते रहिए। खैर वैसे भी घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक आपको बनाना चाहिए हिस्ट्री पे भी, साइंस का नहीं बनाइएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन इसका आप जरूर बनाइएगा, इसमें आपको फ़ायदा करेगा। तो महेश बनवाल में इन्वायरमेंट का भी सेक्शन है, उसको वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। तो इन विषयों पे आपको डेप्थली अध्ययन करने का, इनका चुनने का आधार यही था कि आपको इसमें काफ़ी डेप्थली अध्ययन करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा, अपने कमजोर विषयों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जब कभी हम प्रीलिम्स देते हैं या कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद हमें ये रियलाइज़ हो जाता है, या उसके पहले भी जनरली हम समझ जाते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट जो है मेरा वीक है, जिसमें मुझे स्पेशली वर्क करने की ज़रूरत है। मतलब कि जो भी सब्जेक्ट है, 5-7 सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं जब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते हैं मेनली, तो उनमें हर किसी का कोई ना कोई विषय वीक होता है, डेफिनेटली ऐसा सबके साथ होता है। जैसे मेरे साथ था कि मुझे इकोनॉमिक्स हमेशा परेशान करता था, तो वैसे ही सबके साथ होता है कि कोई ना कोई विषय उसे परेशान करता है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि हमें वो अपना वीक सेक्शन, उसे छुपाना नहीं है कि हम अपने फ्रेंड्स को नहीं बताएंगे या किसी को नहीं बताएंगे, हम अपने आप को, तब उस स्थिति में आप अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। तो वैसी चीज़ें नहीं करनी है, आपको अपना जो वीक सेक्शन है उस पर काम करना है, उसको मजबूत बनाना है, ताकि जो है दूसरे स्टूडेंट से जो आपका गैप है उस सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा नहीं हो जाए, काफ़ी कमज़ोर नहीं हो। जैसे क्या होता है कि जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं उनके साथ साइंस में दिक्कत होती है, जो साइंस बैकग्राउंड के उनको हिस्ट्री में थोड़ा वीक होता है, तो आपको उस पर स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है। वो तभी कर सकते हैं जब आपके पास प्रॉपर एक अच्छा खासा टाइम बचा हो प्रीलिम्स के लिए। तो जैसे अभी जो समय है, 6 महीने प्रीलिम्स में है अभी, या 6 महीने से ज़्यादा है, तो अभी से आप उस पर काम करेंगे। उसमें क्या करेंगे, आप
कि एक तो अपने अनुभव आधार पे उनकी सूची बनाएंगे कि कौन कौन सा विषय आपका वीक है और कौन कौन सा सेक्शन स्पेशली वीक है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि टॉपिक वाइज उस सब्जेक्ट का आप जो है बेसिक किताबों को पढ़ेंगे, जो डिफिनीशन है, जैसे मान लीजिए कि साइंस में आपको रिवर्स रेपो रेट है या रेपो रेट है या बैंक रेट है, इस सब में प्रॉब्लम आती है, तो उसको प्रॉपरली आप लिख के नोट्स बनाइए और नोट्स बना के उसको याद कर लीजिए और साथ के साथ उसको अपडेट करते रहिए कि समय समय पे बैंक रेट कितना हो गया या रेपो रेट कितना हो गया, इस सबको अपडेट करते रहिए, या उससे रिलेटेड जो भी डाटा है, जो भी जानकारी है, उसको आप उसमें नोट डाउन करते रहे। उसके साथ क्या करें कि एक समय के अंतराल पे उसको रिवाइज करें जो आपका वीक सेक्शन है, क्योंकि जब तक आप उसको दो तीन बार नहीं करेंगे तब तक वो आपका नहीं हो सकता। जैसे जब मैं शुरू किया था तैयारी, तो उस समय मैंने मतलब कि जब देशों की राजधानी में याद करना शुरू किया था, पहले के पेपर में बहुत ज़्यादा देशों की राजधानी भी पूछ दिया करते थे, तो उस समय मैं क्या करता था कि बहुत सारे देशों की एक बार राजधानी याद करने के जगह पे 15-20 के बंच में याद करता था। अब वैसा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन उतने के समूह में मैं याद करता था, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं करता था, और फिर उससे एक समय अंतराल पर रिवाइज करता था। तो उससे ये हुआ कि वो हमेशा के लिए आपके दिमाग के किसी न किसी कोने में सेट हो जाते हैं, हमेशा के लिए वो आपका हो जाता है। तो ये एक अच्छी रणनीति है कि जो वीक सेक्शन है उस पर प्रॉपरली अपना नोट्स बनाइए, उस पर काम कीजिए थोड़ा सा, ताकि वो मजबूत हो। थोड़े समय की बात है, थोड़ा सा वर्क कर लेंगे आप, स्पेशल उस पर फोकस कर लेंगे, तो आपका वो सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है विभिन्न माध्यमों से तैयारी का निरंतर आकलन करना। मतलब कि आपका जो लेवल है, स्तर जो है तैयारी का, कि हम सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ये पता होना चाहिए आपको। जैसे मैंने हिस्ट्री का मान लीजिए कि 10 चैप्टर पढ़ लिया, ज्योग्राफी का 10 चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि हमने क्या किया कि BPSC का पेपर उठाया, चूंकि हम उस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो उसका प्रीवियस पेपर्स उठाया, उसको उठा के हमने देखा कि जो मैंने पढ़ा है उससे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आपकी दिशा गलत तो नहीं। अब सीधे जैसे मान लीजिए कि आप तैयारी कर रहे हैं, आपने क्या किया कि मॉडर्न हिस्ट्री उठाया और उसको पढ़ा और फिर उसका सेट बनाया, सोल्व किया, तो आप देख रहे हैं कि हाँ आपका क्वेश्चन सही हो रहा है, मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं। कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि जैसे उनको सिलेबस ध्यान नहीं है, उन्होंने क्या किया कि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दिया, चूंकि वर्ल्ड हिस्ट्री सिलेबस में ही नहीं है, वो पढ़ते चले गए, पढ़ लिया पूरा पढ़ लिया, और जब पेपर सोल्व किया बाद में एग्जाम के समय, तो देखा कि वर्ल्ड हिस्ट्री से तो एक भी क्वेश्चन नहीं आते, उससे क्वेश्चन ही नहीं रहता है, तो क्या हुआ, आपको अफसोस होगा। तो उससे बेटर है कि जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप साथ के साथ क्वेश्चन पेपर को देखते रहें, तो आपका पता चलेगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, या जो टॉपिक का जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है, कुछ क्वेश्चन होता है कुछ टॉपिक्स का वो आपको परेशान कर रहा है, तो उसको आप नोट डाउन कीजिए, उसका उससे रिलेटेड चैप्टर्स को दो बार तीन बार रिवाइज कीजिए, पढ़िए, तो वो आपको तैयार कर देगा, आपको अच्छा आपका अच्छा हो जाएगा। उसके लिए आप तो एक प्रीवियस पेपर्स करिए कि आपको पता चलता रहे। घटना चक्र का भी सब्जेक्ट वाइज, जैसे मान लीजिए कि मेरा हिस्ट्री वीक है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो 1857 हमने पढ़ा, या 1905 पढ़ा, या 1920 के समय का जो मूवमेंट था वो सब पढ़ा। पढ़ने के बाद क्या किया कि मैंने प्रीवियस पेपर्स को बनाया, ठीक, चैप्टर को पढ़ा, प्रीवियस पेपर्स को घटना चक्र से बनाया, उस समय का दिया हुआ, फिर जो नोट्स बनाया था मैंने, जो बुक को पढ़ के मैंने नोट्स बनाया, उसको पढ़ने के बाद जब मैंने घटना चक्र सोल्व किया, तो उसमें 10-12 क्वेश्चन ऐसे मिले जो वहाँ पे मुझे नहीं मिले थे किताब में, तो मैंने क्या किया कि नोट्स में इसको ऐड कर दिया जो नई चीज़ें मिली। तो जैसे एक टॉपिक कोई पढ़ा, जैसे मान लीजिए कि चंपारण मूवमेंट पढ़ा, तो चंपारण मूवमेंट को पढ़ने के बाद उसका जो क्वेश्चन सोल्व किया, तो मैंने जो किताब में पढ़ा उसके अलावा भी घटना चक्र में कुछ क्वेश्चन के आंसर मिल गए नए नए, तो उसको क्या किया कि अपने नोट्स में अपडेट कर दिया, उसको लिख दिया। तो इससे क्या होगा, आपका नोट्स एक कंप्लीट होता चला जाएगा, बहुत स्ट्रांग बन जाएगा, उससे क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तीसरी चीज़ ये है कि जो मंथली मैगजीन्स आते हैं, जैसे प्रतियोगिता दर्पण आप ले रहे हैं मान लीजिए बाय द वे, या क्रॉनिकल ले रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं स्मरणीय तथ्य करके, या फिर करेंट का, या विविध करके, तो उनको वन लाइनर होते हैं, तो उनको पढ़ लिया, ठीक है, उनको सोल्व कर लिया। उसके बाद क्या किया कि कुछ एग्जाम्स जो हुए हैं, जैसे रेलवे का कोई एग्जाम हुआ है, या छत्तीसगढ़ PCS हुआ है, उत्तराखंड PCS हुआ है, या राजस्थान PCS हुआ है, उसका उन्होंने वहाँ पे सेट दे रखा है, तो उस सेट को तुरंत सोल्व कर लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ आपका जो स्टैंडर्ड है वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जैसे क्या हुआ था कि इसके जो पहले PCS हुआ था BPSC का 64th या 65th था, उसमें क्या था कि जो उत्तराखंड PCS का लगभग 8-10 क्वेश्चन 10 प्लस ही था शायद, अभी एग्जैक्टली मुझे डाटा नहीं याद आ रहा है, वो उतने क्वेश्चन सेम टू सेम लगभग रिपीट हो गए थे, यहाँ पर रिपीट हुए थे या सेट किया गया था ये नहीं कह सकते, पर क्वेश्चन जो है लगभग वही क्वेश्चन आ गया था। तो इससे क्या होता है ना कि जब आप
इस तरह से आपका जो तैयारी है काफी मतलब कि ब्रॉड स्तर पे हो जाती है, कि आपका जो सर्किल है काफी बड़ा हो जाता है, क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी रणनीति मानी जाती है, काफी स्ट्रांगली आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपका प्रीलिम्स का जो तैयारी है वो काफी बेटर हो जाएगा। अंतिम, टेस्ट सीरीज एंड इंटरनेट का उचित माध्यमों का उपयोग। जैसे आपने बेसिक किताबें पढ़ ली, सारी चीजें कर ली, टॉपिक वाइज नोट्स तैयार कर लिए, अब कर लिए, अब एग्जाम का मान लीजिए कि कम समय बचा है, 3 महीने 4 महीने जो भी बचा है, तो उस समय क्या करेंगे कि मार्केट में बहुत सारे कोचिंग के टेस्ट सीरीज होते हैं, या ऑनलाइनर बहुत से ग्रुप्स के भी टेस्ट सीरीज चलते हैं, तो उनको जो आप उठा के जब आप सोल्व करेंगे तो आपको पता चलने लगेगा कि आपका स्कोर कितना जा रहा है, कैसे जा रहा है, कहाँ पे कमी हो रही है, तो उस सेक्शन को फिर से रिवाइज कीजिए, और या फिर उसमें जो नई चीज़ें मिल रही है उसको क्या कीजिए कि साथ के साथ उसको नोट्स बनाते जाइए कॉपी में। उसके बाद क्या कीजिए, जैसे FB पे कोई ग्रुप है, जैसे हमारा BPSC मेंटर ग्रुप है, उसमें डेली 100-200 क्वेश्चन करेंट का या GK का डालता है ऑब्जेक्टिव में। बहुत सारे मेंबर्स हैं जो बहुत अच्छे से क्वेश्चंस और बहुत अच्छे से आर्टिकल्स डालते हैं, उनको क्या करना है कि डेली शाम में 1 घंटे बैठिए, 6 से 7 बजे के बीच में डेली बैठिए और उनको नोट करते जाइए, जो जो आपको नए क्वेश्चन मिल रहे हैं, नई जानकारी मिल रही है। या टेलीग्राम चैनल है BPSC मेंटर का, तो उस पर भी आप वहाँ से भी जो जो नए आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसको नोट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, उसको क्या कीजिए ऑनलाइन उसको याद करते जाइए 4 बार। तो इससे क्या होगा, आपके पास जो पहले से था, आपके पास मान लीजिए कि इतना बड़ा इन्फॉर्मेशन सोर्स है, आपके पास पहले से इतनी जानकारियाँ थी, लेकिन कुछ जानकारियाँ यहाँ पे थी जो आपके सर्किल से बाहर थी, तो इसे किसी ने डाला ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल पे, और यहाँ से घूम के ये फिर आपके पास आ गया, तो आपका कलेक्शन क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। तो इसके बढ़ने से क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन गलत होने की संभावना है बहुत कम हो जाएगी, और आपका तैयारी काफ़ी व्यापक स्तर पर हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझिए, जो भी नए इन्फॉर्मेशन मिलते हैं उसको नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। उसके अलावा जो जो संपादकीय होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर बेस कोई संपादकीय है, या संवैधानिक संशोधन से संबंधित कोई आर्टिकल है, मतलब या इंटरनेशनल पे कोई इशू हो रहा है, या कोई समझौता हुआ है जलवायु पे, या कोई भी जलवायु परिवर्तन या किसी भी तरह का, तो उसका भी जो आर्टिकल आता है उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर फेसबुक पे कहीं मिल रहा है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको रख लीजिए अपने पास, एक एल्बम बना दीजिए स्टडी रिलेटेड, उसमें आप उसको जमा करते जाइए। वो प्रीलिम्स में ही नहीं, आपको मेंस में भी काफ़ी फायदा पहुंचाएगा, और ये लंबे समय तक आपको फायदा पहुंचाएगा, ठीक। चौथा आते हैं कि इंटरनेट माध्यमों का उचित प्रयोग। जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन हमने देखा कि हाँ भारत ने राफेल का सौदा किया, या भारत ने कोई तोप खरीदा, या भारत ने कोई हथियार खरीदा, या कुछ भी किया, ठीक है, या कोई भी दुर्घटना हुई किसी तरह की, तो उसमें जो इंफॉर्मेशन थी, जैसे मान लीजिए कोई हेलीकॉप्टर खरीदा गया, या कोई जैसे चंद्रयान वाला जो मिशन था हमारा किया गया, उसका जो इन्फॉर्मेशन हमें नेट पे मिला, बेसिक मिला, उसके अलावा क्या करेंगे कि उसको जो है हम उससे संबंधित और जानकारी के लिए हम, जैसे वो इम्पोर्टेंट है या कोई योजना है, तो वो अगर वो इम्पोर्टेंट है तो उसको हम क्या करेंगे कि गूगल पे सर्च मारेंगे या विकिपीडिया पे सर्च मारेंगे, उससे संबंधित और भी कुछ जानकारी अगर हमें मिल सकती है तो उसको हम कलेक्ट करके अपना जो नॉलेज का जो सर्किल है उसको और ब्रॉड करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है एक होलिस्टिक वे में बहुत अच्छा जो है तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो ये नोट्स वाली बात तो अभी मैंने रिपीट भी कर दी थी कि लगातार उसको जो है पॉइंट वाइज नोट्स बनाना है, और साथ के साथ उसको अपडेट करना है, जैसे कुछ नई जानकारी मिली बाद में, जैसे पिछले सेक्शन में भी मैंने बताया कि कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो उसमें कुछ नया मिला तो उसको नोट डाउन करते जाइए, तो उसको अपडेट करते रहना है। अपडेट करने का मतलब ये होता है कि आपका सर्किल जो है लगातार बढ़ते जा रहा है, इससे क्या होगा कि जो आपका प्रीलिम्स की जो आपकी तैयारी है वो काफ़ी बेहतरीन हो जाएगी, प्रीलिम्स आपका नहीं रुकेगा। साथ के साथ अपना बेसिक किताब पढ़ते रहिए और जो टफ सेक्शन है उसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। यही रणनीति फॉलो कीजिए, बहुत बेहतर रणनीति है, काफ़ी इस पर मैंने सोचा, काफ़ी रिसर्च किया, तब जाके ये सारे पॉइंट्स मैं बना पाया, ताकि आप सभी का काम बहुत आसान हो जाए, ठीक है। फिर हम लोग जल्द ही मिलेंगे वीडियो में, अगले वीडियो में, इसको जरूर लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।